हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में बहुत शॉर्ट टेक्निक बताने वाली हूँ जिसको मैंने खुद यूज किया था और जिस दिन मैंने यूज किया उस दिन से लेके आज तक मेरे जीवन में इतने सारे बदलाव आए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना कॉन्फिडेंस मैं फील नहीं कर पाती थी, मुझे ऐसा लगता था जो मैं खुद सोचती हूँ खुद पे यूज करती हूँ क्या ये दूसरों के लिए भी काम करेंगे या नहीं, क्योंकि सबके बिलीव्स अलग होते हैं। पर जब ये मैंने देखा कि ना केवल ये मेरी मदद करते हैं बट उन सभी लोगों की मदद करते हैं जो मुझसे कभी कुछ हेल्प की उम्मीद रखते हैं, उनके जीवन में कुछ लाइफ एडवाइस चाहिए रहती है कि अब क्या करें, जब जीवन में रुकावटें आती हैं तब कैसे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। और जब मैंने ये बताना शुरू किया तो मेरी लाइफ के साथ उनकी लाइफ भी बदली है, इसलिए मैंने सोचा कि ये बहुत ईजी मैथड है, सिर्फ 5 मिनट की मेथड है आपको, पर आपके जीवन को बदलने वाली मेथड है। यस माई डियर फ्रेंड, क्योंकि हम जो है हमारी जो असलियत है वो किसकी चीज़ है, किसकी देन है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारी या कॉन्शियसनेस में हमारी जो पहचान है, जो या हमने बनाई है या जो हमारे पेरेंट्स ने, जो इन्फ्लुएंसर, हमारे दोस्त, हमारे टीचर, जिन्होंने भी हमको जो बोला, जो जब हम पैदा होते तब से लेके 7 ईयर तक जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रीप्रोग्रामिंग हुई है उसी ने हमारी एक पहचान बना ली ऑटोमेटिक, और फिर उसके ही इर्द गिर्द हमारी असलियत, हमारा जीवन दौड़ता रहता है, चलता रहता है। हमको समझ में ही नहीं आता कि हम सही निर्णय ले रहे हैं, हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपकी पहचान ऐसी बन गई है कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे कम रहते हैं, या मेरे पास स्किल अच्छे नहीं है, या मैं सुंदर नहीं हूँ, या मुझ में किसी चीज़ की कमी है, या मैं अपने बारे में ही जो सेल्फ टॉक में हम नेगेटिव बोलते रहते हैं उससे भी हमारी जो रीप्रोग्रामिंग है वो और सॉलिड होती जाती है। तो जितने काम होते हैं ना हमारी रियलिटी में, या 90% काम, जो बल्कि 98% तक जो काम रहते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट मोड में होते हैं, तो इसकी वजह से हमारी रियलिटी वैसी ही होगी, क्योंकि हम जो सोच रहे होते हैं वही हम फील कर रहे होते हैं, वैसे ही हम वाइब्रेशन में रहते हैं और सेम वाइब्रेशन की चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं। अगर हम मनी को लेकर हमेशा शिकायत करते रहेंगे, रहता नहीं है, कम आता है, बिल भरना रहता है, जब तक आप ये अंदर ही अंदर सोचते रहोगे या नेगेटिव फील करते रहोगे मनी के बारे में, तब तक वही चीज़ें अट्रैक्ट होती जाएंगी, भले आप कितनी एफर्मेशन बोलो आई एम रिच आई एम वेल्दी, नहीं ये काम नहीं करेंगे। इसको जब आप रिपीट करते रहोगे, कई बार रिपीट करोगे विद फीलिंग के साथ, तो एक समय के बाद, चाहे 21 दिन हो चाहे महीना भर हो, एक समय के बाद जरूर ये आपके आपका सेकेंड नेचर बन जाता है, बॉडी हो जाता है आपकी शरीर में, तब आप उसको जरूर छोड़ दीजिए। क्योंकि मान लो आपने कोई कार मैनिफेस्ट करनी चाहिए, वो आपके जीवन में आ गई, तो अब थोड़ी आप इन्फॉर्मेशन बोलते रहोगे आई हैव माई ड्रीम कार, मेरे पास मेरी ड्रीम कार है, आप नहीं बोलोगे। तो वैसे ही जब वो चीज़ आपको लगने लगती कि मेरे पास आ गई है, तो फिर आपको उसको बार बार एफर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज की जो 5 मिनट की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, 5 मिनट की टेक्निक में आपको इसका मतलब क्या है, इतनी चीज़ें जो मैंने बोली कि आपकी आइडेंटिटी को चेंज करना है। अब अपनी आइडेंटिटी को आपने जब चेंज कर लिया तो धीरे धीरे वो आइडेंटिटी को जब आप सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस बना के रिपीट करते रहोगे अपने दिमाग में, तो वो फिर एक समय के बाद आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, वैसा ही वो हो जाएगा और वैसे ही आपकी नई पहचान बन जाएगी, और धीरे धीरे आपकी सराउंडिंग्स भी वैसी बनती जाएगी। जो पॉजिटिव लोग हैं वो आपके जीवन में रहेंगे, नेगेटिव लोग आपके जीवन से दूर होते जाएंगे, आपको अपने आप ही देखना चेंज महसूस होगा। तो अब आपको करना क्या है, आपको ये जो जीवन बदलने वाली एक्सरसाइज है वो है क्या, राइटिंग, स्क्रिप्टिंग। आपको क्या करना है, सब पेपर ले लीजिए या डायरी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, और उसमें आपको अपनी पूरी न्यू आइडेंटिटी लिखना है, और उसको उसकी एक शर्त है कि जब आप अपनी न्यू आइडेंटिटी लिख रहे हो तो पेन को रोकना नहीं है, आपका दिमाग जो बोल रहा है वो ही लिखना है। अगर आपको ये अचानक से करने में परेशानी आ रही हो तो आप पहले इसको
अपने दिमाग में, इमेजिनेशन में, या डे ड्रीम जो बोलते हैं ना, आंख बंद करके सोचिए कि एक्चुअली आप सच में कैसा जीवन चाहती हो, क्या बदलना चाहती हो, कैसे आप दिख रहे हो, कैसे कपड़े पहने हो, किस घर में रह रहे हो, कौन सी व्हीकल है, कितना बैंक बैलेंस है, रिलेशन कैसे हैं, आप कहाँ रह रहे हो, क्या चाहती हो, आपके जीवन का एक जो बिग पर्पस है क्या है, इंडिविजुअल पर्पस क्या है, समाज के लिए क्या कर सकते हो, घर के लिए क्या करना चाहते हो, पूरी ओवरऑल जो पिक्चर है वो आप क्रिएट कीजिए और शुरुआत कीजिए आपके खुद के जानने को लेके, नो योर सेल्फ, कि आप एक्चुअली सच में क्या चाहते हो, आप कैसा महसूस करना चाहते हो, वो वहाँ से शुरुआत कीजिए। जब आप वो इमोशंस फील करने लगोगे तब फिर फिजिकल चीज़ें आपके जीवन में आपको एक सिर्फ फिजिकल मटेरियल जैसे लगेंगी, पर आपकी इमोशंस सबसे स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इमोशंस को पहले क्रिएट करना है, फिर आपको ये सारी चीज़ें लिखना है। तो आप इस तरीके से ओवरऑल एक पिक्चर बनाइए और उसको फिर लिखना शुरू कीजिए कॉपी पे कि मैं ये चाहता हूँ, मेरा जीवन ऐसा है, मैं ये महसूस कर रहा हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ, जैसे मैं बहुत काइंड हूँ, सॉफ्ट हूँ, या हम्बल व्यक्ति हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति हूँ, और वही लिखना है जिसको आप सच में चाहते हो। बहुत सारे लोग तो बस ऊपर ऊपर लिख देते हैं, ये गाड़ी चाहिए, ये पैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, पर एक्चुअली सच में चाहिए क्या, क्या आप उसको सच में यूज़ कर पाओगे? कई लोग बोलते हैं मुझे 5 करोड़ रुपये चाहिए। अरे क्यों चाहिए 5 करोड़ रुपये? पहले उसका कारण, जब आप कारण जान लोगे तभी आप उसको अच्छे से यूनिवर्स तक इसके मैसेज भेज पाओगे, खुद भी फील कर पाओगे कि हाँ मैं डिजर्व करता हूँ। जब एक व्यक्ति 5 करोड़ को खर्च करने का प्लान नहीं कर सकता है तो दे कैन नॉट डिजर्व, वो हकदार नहीं है उस चीज के। जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके पास देखिए प्लान रहते हैं, उनके पास करोड़ों रुपए रहते हैं, उनको पता रहता है कि हाँ इन्वेस्ट करना है, ये सही है, वो सही है, ये सही नहीं है। तो जब आप अवेयरनेस में उतना पैसा आप क्यों क्या क्या करोगे वो जब प्लान कर लेते हो ना, तो ईश्वर वो चीज़ें आपको देता ही देता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वही लिखिए जो आप बिलीव कर पा रहे हो। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में आपको एक दो चीज़ों को लगेगा कि ये मैं बिलीव नहीं कर रहा हूँ। जैसे मान लो आप 50 लाख रुपीज़ तक आपका लगता है कि हाँ इसमें मैं बहुत अच्छा जीवन जी सकता हूँ, और आप अगर 5 CR लिख रहे हो तो हो सकता है कि ये आपको आपका दिमाग ही उसको रिजेक्ट कर दे। हालांकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इमेजिन बिग, ड्रीम बिग, इसकी कोई लिमिट नहीं है। बस वो आपके ऊपर है कि आप उसको कितनी सच्चाई मानते हो, कितना आप ये 3D रियलिटी से अपने आप को कट ऑफ करके आपके खुद के जीवन में आप रह पाते हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं सलाह यही दूंगी कि आप शुरुआत में जिन चीज़ों पे बिलीव करते हो उतनी ही चीज़ें लिखिए, और जो रियल में आपको चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम इधर उधर की बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिख लेते हैं जो सच में अगर सच हो गई तो शायद हम बोलेंगे नहीं 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 चाहिए, है ना। तो ऐसी चीज़ें जो इंस्टेंटली अभी के अभी अगर वो सच हो जाए तो भी आप कंफर्टेबल फील करो, तो भी आप अच्छा महसूस करो, तो भी आप उसको संभालने के लायक बनो। ऐसा जब हम बन जाते हैं तो वो चीज़ें हमारे पास आने लगती हैं। तो बस यही एक टेक्निक है, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। शुरुआत कीजिए कि मैं ये व्यक्ति हूँ, मैं मेरे पास ये चीज़ें हैं, मैं काइंड हूँ, मैं हम्बल हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास जो भी आपका घर है, जैसा जितने बेडरूम का जो डिटेल जितना लिख सकते हो उतना अच्छा, ये है मेरे पास, मेरी ड्रीम कार है, मेरे पास एक बहुत अच्छा जॉब है, मेरे बच्चे, मेरे पार्टनर जो भी है आप उसके बारे में लिख सकते हो, मेरे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, मेरे जीवन में किसी चीज़ की कोई मतलब हमेशा पॉजिटिविटी ही रहती है, कहीं कोई हमेशा प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस है। कोशिश कीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटेंस लिखिए, हर एक चीज़ को लिखते जाइए, इस तरीके से लेटर बनाइए, और ये चीज़ जितनी देर आप करोगे 5 मिनट 10 मिनट, यकीन मानिए आपकी सारी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी, आप अपनी एक न्यू पैरेलल रियलिटी से कनेक्ट हो जाओगे जो कि अभी इसी वक्त एग्जिस्ट करता है। हमारा ये सिर्फ फिजिकल माइंड है जो अभी वो कुछ परसेंट में है यहाँ, बाकी हमारी कॉन्शियसनेस बहुत ब्रॉड है, यूनिवर्स की जैसी। हमारे बहुत सारे जैसे फिजिकल माइंड है वैसे हमारे स्पिरिचुअल माइंड, वो सब यूनिवर्स में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के रूप में सब जगह विद्यमान है। जब आप उस अपनी डिजायरेबल रियलिटी से कनेक्ट कर पाते हो
तब वो चीज़ें उसमें एनर्जी जाती है, धीरे धीरे वो मटेरियलाइज्ड होने की कोशिश करता है और फिर वो ही आपकी इस जीवन की, इस समय की रियलिटी बनता है। यस माय डियर फ्रेंड, आई होप कि ये छोटी सी टेक्निक आपको पसंद आई होगी और आपके जीवन को बदल देगी। आज ही डिसाइड कीजिए कैसा जीवन चाहते हो, एक कागज में लिख डालिए, सब कुछ लिख डालिए और ऑलवेज रिमेंबर देयर इज नो लिमिट। यस माय डियर फ्रेंड, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।